तो गाइस आज की वीडियो है इस लैपटॉप के कुछ फीचर्स के बारे में। तो फीचर देखते हैं तो आर्मरी क्रेट में जाएंगे। तो सबसे पहला फीचर हमें देखने को मिलते हैं विन की, जिसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता। टच पैड, जिससे आपका टच पैड ब्लॉक हो जाता है अगर क्लिक किए तो आपने इस पे, अगर आप गेमिंग खेल रहे हो तो अगर आपका हाथ इस पे चला जाता है माउस पर तो हिल जाता है, इसलिए वो है। तो पैनल पावर से ओवर, जो पैनल पावर से ओवर होता है, जो अगर आपका डिवाइस अनप्लग है तो मतलब बैटरी से ओवर मोड पे, मतलब चार्जिंग पे नहीं लगा हुआ है आपका लैपटॉप, तो वो क्या करता है ऑटोमेटिक 144 to 60 Hz पे डायरेक्ट स्विच होता है। जो IGP मोड है वो ऑटो पे रहता है, मैंने ऑफ कर दिया है फिलहाल। तो उसका बेसिकली काम क्या है, जब आपका लैपटॉप बैटरी से ओवर मोड पे होगा तो अपने आप आपका GPU, जो डेडिकेटेड GPU है, जो कि देख सकते हो आप, जो NVIDIA GeForce RTX 3060, इसको बंद कर देता है, टोटल पूरा लोड CPU पे डालता है, जिससे कि आपकी बैटरी अच्छे से काम करती है। और उसके बाद ये आई केयर, इसमें बहुत सारे मोड मिलते हैं जो कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं अपने को। तो मैं बेसिकली आई केयर मोड पे ही रखता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर लैपटॉप देखता हूँ। फिर यहाँ पे आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो आपको क्या क्या चाहिए, प्रोफाइल बना सकते हो। फिर और यहाँ पे ओरा सिंक में आप अगर कोई भी डिवाइस लोगे ROG का, या उसका जो ओरा सिंक सपोर्ट होगा तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो मेरे लैपटॉप पे कीबोर्ड का ओरा सिंक है, तो मैं सिस्टम में जाके यहाँ से सेट कर सकता हूँ, यहाँ से ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है ना भाई साहब, इसका जो ऑडियो टू वेज नॉइस कैंसिलेशन, टू वेज मतलब है इनपुट, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपको मेरा नॉइस कैंसिल होते हुए देखेगा। तो मैं यहाँ पे साइड में कुछ गाना लगाता हूँ, आपको समझ में आएगा 1 मिनट। तो अभी पहले तो लो करके देखते हैं। अरे मेरे फोन में गाना चला हुआ है वो मैंने। अभी करते हैं इसको मिड पे। अभी कर देते हैं इसे हाई पे। अभी कर देते हैं इसको बंद और देखते हैं कि अभी मतलब ये अगर नॉइस कैंसिलेशन बंद गया, टोटल बंद हो गया। अभी देखो मेरा बैकग्राउंड भी नॉइस आ रहा होगा आपको, ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी दोस्तों। जो AI नॉइस कैंसिल है ये सबसे अच्छी चीज़ लगी। और ये आउटपुट, यानी कि अगर मैं आपके साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ तो अगर आपकी भी बैकग्राउंड नॉइस आती है तो ये कैंसिल कर देता है। तो रिसर्च मॉनिटर में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आपका CPU फ्रिक्वेंसी, GPU फ्रिक्वेंसी, इसकी सीधा आप ग्राफ देख सकते हो। तो ये रहा मेमोरी टेम्परेचर, सब 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 कुछ आप देख सकते हो। फिर मेमोरी में यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कौन से एप्लीकेशन आपका GPU खा रहा है। ये GPU देखो, GPU पावर सेविंग, तो ये दो एप्लीकेशन इतना इतना AMD खा रहा है, तो मेरा 261 MB OBS खा रहा है जो कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो एपिक 55 MB खा रहा है। तो अगर मैं अनप्लग कर दूंगा तो अपने आप ये टर्न ऑन हो जाएगा, तो मेरा बैकग्राउंड मतलब OBS क्रैश हो सकता है इसकी वजह से। तो गाइस यही थे कुछ कुल फीचर्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक और सबसे मेन चीज़, अगर मैं टर्बो मोड ऑन कर देता हूँ, अगर आपका लैपटॉप गर्म है तो 6,000 तक इसके RPM जाते हैं भाई साहब। विन की मतलब आपका विन की नहीं दबाएगा, विन की के अगर आपने विन की को प्रेस कर दिया तो आपका विन की यूज़ नहीं करेगा। ये बेसिकली क्या है, अगर आप गेम खेल रहे हो तो आपकी गलती से विन की दब के आप मतलब मिनिमाइज हो जाते हो, इसकी वजह से मोड दिया गया है। अगर मैं दबाऊंगा तो मिनिमाइज हो जाएगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग गाइज, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।